ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अबव प्रिंसिपल। ठीक है, अबव प्रिंसिपल स्टूडेंट्स क्या कहता है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, इसका मीनिंग है बिल्डअप करना। ठीक है, क्या करना, बिल्डअप करना। ठीक है, बिल्डअप करना का मतलब क्या स्टूडेंट, देखो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। कैसे फिल करना, टू फिल इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। क्लियर स्टूडेंट, कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करना, उनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग। कैसे, जैसे जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले फिल किया जाएगा, जिसकी एनर्जी ग्रेटर है उसको जो है वो बाद में फिल किया जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ठीक है ले लेते हैं। अब ले लेते हैं हम यहाँ पर 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, P हमारा 2 से स्टार्ट होता है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ठीक है, यहाँ D 3 से स्टार्ट होता है, 3d, क्योंकि n की वैल्यू क्या होती थी, 3 होती थी ना। ठीक है, तो 4d, 5d, 6d, 7d। ठीक है, और स्टूडेंट जो हमारे पास F शुरू होता था 4 से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो हमने ऐसे उधर क्वांटम नंबर निकाला था 4f 5f, ठीक है 6f। तो क्लियर, देखो स्टूडेंट अब क्या करना है आपने, सबसे पहले जो है ऑर्बिटल जो फिल होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे स्टूडेंट, किसके अंदर फिल होंगे, 1s के अंदर फिल। ठीक है, फिर किसके अंदर होंगे, 2s, किसके अंदर होंगे स्टूडेंट, 2s। अब हमने ऐसे इनको डायगोनली ऐसे आपने जो है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। कैसे, जैसे सबसे पहले 1s फिर 2s। अब स्टूडेंट कौन आएगा, ये 2p और 3s, कौन आएगा 2p और 3s, फिर पहले फिर 2p आएगा और फिर 3s। अब स्टूडेंट ऐसे ही 3p और 4s, 3p 4s। अब आपके पास क्या आएगा, 3d 4p और 5s। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3d आएगा, 4s के बाद 3d, फिर 4p और फिर 5s। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या आएगा, 4d 4d 5p और 6s, 4d 5p 6s। फिर कौन आएगा स्टूडेंट, 4f, ठीक है, फिर 5d, फिर 6p और फिर स्टूडेंट 7s। क्लियर, उसके बाद फिर ये 5f 6d और 7d। तो स्टूडेंट आप जो है इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो है फिलिंग कर सकते हैं। यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, एक बार और इस टॉपिक को देख लो, कि सबसे पहले हमने किसको फिल करना है, जिसकी एनर्जी कम है, यानी कि 1s की एनर्जी कम है, 1s को पहले फिल किया जाएगा, फिर 2s को, 1s के कंपैरेटिवली 2s की एनर्जी ज्यादा है, फिर किसको फिल किया जाएगा, 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद 5f, 6d, 7p। यानी कि जो सीक्वेंस बनेगी स्टूडेंट वो क्या बनेगी, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद कौन आ रहा है, 4s, 4s के बाद कौन आ रहा है स्टूडेंट, 3d, ठीक है, 3d के बाद कौन आ रहा है, 4p, 4p के बाद कौन आ रहा है, 5s, 5s के बाद कौन आ रहा है स्टूडेंट, 4d,
इसके बाद कौन आ रहा है 5p, 6s, 6s के बाद स्टूडेंट कौन आ रहा है 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद स्टूडेंट कौन आ रहा है 5f, 6d, 7p। ठीक है स्टूडेंट, और इसके बिना हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नहीं कर पाएंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने टेंथ में की थी KLMN के अकॉर्डिंग, अब हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है स्टूडेंट वो करनी है वन इन इसके अकॉर्डिंग जो है हमने करनी है, यानी कि एस में जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जैसे के में दो आ सकते थे, यहाँ पर एस में कितने आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, पी में स्टूडेंट 6 आ सकते हैं, और डी में स्टूडेंट कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, और एफ में स्टूडेंट आ सकते हैं 14, यानी कि ये कैपेसिटी है इनकी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो स्टूडेंट फटाफट से ये नोट डाउन कर ले और उसके बाद आप डेफिनेशन जो है वो राइट डाउन करेंगे। ये डेफिनेशन है हमारे पास अबव प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसके अकॉर्डिंग फिल किया जाता है, इंक्रीजिंग एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया था एस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होती है, अगर आपसे पूछा जाए 1s, 2s और 3s इसमें से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो स्टूडेंट 3s की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि 1s की एनर्जी क्या है कम है, तो 1s की एनर्जी क्या रहेगी कम, 2s की जो है इससे ज्यादा होगी और 3s की जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि ये क्या कहते हैं, इट स्टेट्स दैट द इन ग्राउंड स्टेट एटम द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। एक डेफिनेशन और है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी, सेम ही है कि सबसे पहले वो कम एनर्जी की ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद जो है एंटर इनटू द हायर एनर्जी, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होंगे, 1s के बाद 2s में, 2s हायर एनर्जी की ऑर्बिटल है, उसके बाद स्टूडेंट 2p में जाएंगे, फिर 3s में जाएंगे और फिर 3p में जाएंगे, यानी कि अपनी से ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते रहेंगे एंटर करते रहेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है अबव प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट हो गया, तो आप इसकी डेफिनेशंस जो है ये नोट डाउन कर लेंगे, और ये डायग्राम भी जो हमने किया था अभी इसको भी आपने ड्रॉ करना है डेफिनेशन के साथ साथ, तभी ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा।